आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओक्टा एफएक्स में केवाईसी कैसे कंप्लीट करते हैं। अगर आपने ओक्टा एफएक्स में अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है लेकिन अभी तक आपने केवाईसी को नहीं कंप्लीट किया, यानी कि जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है उसे नहीं कंप्लीट किया है, तो कैसे जो है केवाईसी को करते हैं उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं खोला है तो नया अकाउंट कैसे ओपन करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि ओक्टा एफएक्स में नया अकाउंट कैसे बनाते हैं, उस वीडियो को देख के इजीली आप अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक ठीक, अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो आपको क्या करना है, ओक्टा एफएक्स ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे और ऊपर साइड में यहां पे देख सकते हैं जो थ्री लाइन दिया है आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक, अगर आपका केवाईसी कंप्लीट रहता है तो यहां पे जो है आपको वेरीफाइड का ऑप्शन दिखाता है। ठीक, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे वेरीफाइड लिखा रहता है लेकिन यहां पे नहीं लिखा है, यानी केवाईसी नहीं हुई है। फिर नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर भी देख सकते हैं लिखा है वेरिफिकेशन स्टेटस और यहां पे लिखा है नॉट वेरीफाइड। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब अभी आपकी केवाईसी नहीं हुई है। तो केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना है, इसी वेरिफिकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने केवाईसी वाला पेज आ जाएगा। अब यहां पे केवाईसी करने के लिए आप किस डॉक्यूमेंट से केवाईसी करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर रेसिडेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पे हम आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करते हैं क्योंकि सभी के पास आधार कार्ड ज्यादातर होता है। अब यहां पे सबसे नीचे जाएंगे तो यहां पे देख सकते हैं दिया है फ्रंट साइड और यहां पे दिया है रिवर्स साइड। तो यहां पे आपको अपने आधार कार्ड का आगे का फोटो और पीछे का फोटो, यानी कि फ्रंट साइड का और जो है बैक साइड का फोटो अपलोड कर देना है। तो इसके लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और जैसे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे क्या करना है, अपने आधार कार्ड का जो है फोटो अपलोड कर देना है। तो यहां से मैं इस फोटो को ले लेता हूं और ध्यान दीजिएगा कि जो आप यहां पे फोटो लेंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेंगे। ठीक, और किसी पीसी में अगर फोटो रखे तो उस फोटो को आपको नहीं खींचना है, फिर मोबाइल से नहीं खींचना है, फिजिकल कॉपी बिल्कुल आपको लेना है और आपको जो है उसे अपलोड करना है। ठीक, यहां पे चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं आ चुका है। अब यहां पे बैक के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बैक वाला फोटो यहां से आपको ले लेना है। ठीक, तो उसे भी मैंने यहां पे ले लिया। इतना करने के बाद में अब यहां पे चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक, इतना करने के बाद में नीचे जो है सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, वी हैव स्टार्टेड रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट। तो आपका डॉक्यूमेंट जो है रिव्यू में चला गया है, ये मुश्किल से 10 से 5 मिनट के अंदर में हो जाता है और कभी कभी इसके लिए आपको 1 से 2 घंटे का भी वेट करना पड़ सकता है। आपको गो इट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा जिसके बाद में आपको ईमेल भी आ जाता है और यहां पे देख सकते हैं लिखा है योर प्रोफाइल इज नाउ वेरीफाइड। तो ये मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगा, 1 मिनट का, और यहां पे वेरीफाई हो चुका है। ठीक, तो यहां पे गो इट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हम यहां पे आपको चेक कराते हैं तो ऊपर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं वेरीफाइड जो है लिख के आ चुका है और साथ ही आपको ईमेल आईडी पे मैसेज भी आ जाता है। यहां पे देख सकते हैं लिखा है यू गॉट वेरीफाइड ऑन ओक्टा एफएक्स, यानी कि आपका जो ओक्टा एफएक्स पे अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है, जिसके बाद में आप अपने रियल फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं और साथ ही अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।